मैं 31st पार्टी का कपड़ा ट्राई करता है, मेरा मम्मी का गाउन मुझे फिट होता है कि नहीं। मैं भी अपने डैडी का सूट ट्राई करता है। और शरद तुम क्या पहनोगे? वो तो वर्षा भाभी डिसाइड करती है। अब एक काम करो, सारे पन्ने डायरेक्ट अपने दिमाग में डाल दो, फिर मारे को बताना कि मारी 25 रुपए की मैगजीन में क्या था। सोनी भाई, उन्होंने कसम दी है उनके बारे में आपको ना बताने की, और उनका ये भी कहना है कि उनके यहाँ आने पर आप लोग उन्हें निकालने की जगह पर उनका स्वागत करेंगे। ऐसा क्यों करेगा मैन? ऐसा कौन रहने को आने वाला है मैन? वो भी फॉरेन कंट्री से? कुछ तो गड़बड़ है। भाभी, मैंने जानबूझकर पतीला गिराया ताकि बड़ी सी आवाज हो, लेकिन इस कुंभकर्ण घोटाले को देखो, मुस्कुरा रहा है। अरे सोने दो। क्या सोने दो? क्या सोने दो? सुबह का 10 वो बा ओ ओ बा अरे वो बा पीछे का हेयर कटिंग सलून का नाम क्या है? चार्लीज हेयर कटिंग सलून। हाँ, सुबह का 10 चार्लीज हो गया है और ये अभी तक नहीं उठा है। सीरियसली रॉनी, 40 का चार्लीज समझा ना? लेकिन ये नहीं समझा। उठ मैन, उठो, उठो। करता है मैन, पीछे हटो, पीछे। डाउन बॉय, डाउन, 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 डाउन करता है। अटैक मत करो। लेकिन इसको देखो मैन, इसको जरा भी शर्म नहीं आता है। अरे तुम्हारा रो हाउस वापस लेने के वास्ते मैं दिन में 2 बार रस्तोगी को। ओ बार। अभी बैक टू बैक 2 आया है। एक मिनट मैन, वो बार। आई मीटिंग आलूदम को हिंदी में कैसे बोलता है? मैं आलूदम खाता है? हाँ, दिन में 2 बार में वो रस्तोगी को दम खाता है। वाओ, कैन यू बिलीव दिस? ये तो नया स्टाइल है। मैं आलूदम खाता है, में से आलू निकाला, दम खाता है, मतलब दम खाता है। नो नो रॉनी, दिस इज अवार्ड विनिंग। समझा ना? हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन ये नहीं समझा, अभी भी देखो कैसे आंख फाड़ के देख रहा है मेरे को, एलियन के माफिक। इसको तुम बना। रॉनी भाई, रॉनी भाई, काम डाउन, काम डाउन। वैसे शरद, रॉनी भैया की बात सही है, इसे इतनी देर तक सोना है ना, वो कल रात को मैं लेट सोया था इसलिए। आई नो, मैंने आधी रात को तुम्हें बाहर जाते हुए देखा था। हाँ, मैं रात को 3 बजे तक बाहर था। 3? सुना, सुना तुमने? रात के 3 बजे तक भटकता है भूत के माफिक। सुबह मेरे साथ रस्तोगी के पास नहीं आ सकता, लेकिन रात को भटक सकता है। किधर गया था? किधर गया था? रॉनी, डाउन। किधर गया था मैं? क्या कर रहा था रात को 3 बजे? जवाब दे। जवाब दे। ये सोचता है मैन, मैं इसको फोड़ेगा भी। रॉनी कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल? तुम देखो, अपना समझ के इसको हमने घर पे रखा और ये। इनफ इज इनफ इज इनफ इज इनफ इज इनफ। हम लोग उसको घर में रखा तो कोई एहसान नहीं किया मैन, ये हमारा पड़ोसी है। हाँ, तो परोस के खा लो मैन, सारा धर्म पड़ोसी का हमको ही नहीं बाने का, और ये ऐसा हिप्पो के माफिक लेटा रहेगा। बेशरम। बोलो बोलो, सब अलग अलग ओरिजिनल
ताजगी से भरी फ्रेश गड़बड़ करके आ रहे हैं, है ना? चेहरे पर इश्तियार छपे हुए हैं सबके, मेरे चेहरे पर तो होर्डिंग लगा हुआ है, बात अलग है। वसंत छाप कहा गड़बड़, ये करे आपके सुख चैन का नाश, जैसे ये घर से जाए लोग कहें हाश। वसंत छाप महा गड़बड़। भैया क्या किया आपने? टूटी हुई खिड़की पर आइस हलवा लगा दिया कांच समझकर। बोलो। तुम बोलो मत बोलो, तुम भूल गई, तारीफ तो कर रही थी। हाँ वसंत कितनी मीठी खुशबू आ रही है, और ये बादाम पिस्ते का डिजाइन ना फाइन दिख रहा है शीशे पे। अच्छा क्यों हंस रहा है बेटा? हाँ इंसानी हाउजी के गेम को लेकर भावना आंटी का जीना तुमने हराम कर दिया था, ये खबर आई है हमारे कानों तक ओझा टाइम्स के जरिए। चाचा आपने भी खिला है गुल? मैंने इतना बड़ा कुछ नहीं किया, फिर भी रोनी भैया ने मुझे। शरद नहीं भैया, मुझे नहीं देना उस घर में। बहुत और लग रहा है शरद, तो फिर चले जाते हैं। हाँ जाएंगे भी। रेलवे स्टेशन पे मैंने सुना है कि जिन लोगों के घर नहीं होते वो लोग रेलवे स्टेशन की क्लोरोफॉर्म पे ही सो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म पे? क्लोरोफॉर्म पे तुम्हें सूंघाना चाहिए तो तू भी सो जाएगा फिर। अरे क्लोरोफॉर्म नहीं होता, प्लेटफॉर्म होता है। हाँ। प्लेटफॉर्म पे सोते हैं। क्लोरोफॉर्म तो वो होता है, वो पुरानी हिंदी फिल्मों में विलन जो होते थे ना वैसे रुमाल पे ऐसे छिड़कते थे और हीरोइन के पीछे से जाके हीरोइन के नाक पे रख देता था और फिर हीरोइन ऐसे बेहोश होकर गिर जाती थी और फिर उसकी बेहोशी का फायदा उठाता था ये विलन, उसे शादी करता था जबरदस्त। हाँ मतलब मंडप पे ऐसे वो हीरोइन ऐसे बेहोश होकर गिरी है पंडित जी के कंधे पे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे और विलन ऐसे फेरे ले रहा है। अब तुम कानूनन मेरी बीवी बन गई हो, ये लो मंगल सूत्र। प्रोफेसर वसंत घोटाला, आपकी क्लास खत्म हो गई हो तो घर के बारे में सोचे हम क्या कर रहे हैं आप वसंत? घर के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले ना हम यहाँ से निकल जाते हैं। कॉलोनी वालों ने देख लिया ना तो जाने नहीं देंगे। हाँ चलो चलो चलो। ये घोटाला ऐसे क्या गदी को खुलखुली हो गए थे हैं? क्या? किसको क्या हो गया? अरे ओ मुरली भाई एक ट्रांसलेटर क्यों नहीं रखते अपने साथ? और आप लोग एक ट्यूशन टीचर रख लीजिए साथ में। ट्यूशन टीचर? हाँ क्योंकि हमने आपको अपना समझकर डांट लगाई तो हमारी बात का गलत मतलब निकाल कर। नहीं नहीं है ना वो हम तो। नहीं नहीं क्या शरद, नहीं नहीं क्या रानी भैया तुम पर गुस्सा हुए क्योंकि वो तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा समझते हैं। हाँ और अगर मैं हिम्मत पर भड़की तो क्या मैं भैरवी पर नहीं भड़की? दोनों टफ कॉम्पिटिशन देते एक दूसरे को बेवकूफगिरी करने में। कहा बाबा? और मारा के मैं तो लोगों पे बिना वजह चिल्लाता रहता हूँ, उन्हें डांटता रहता हूँ और आप लोगों ने तो इतनी धमाकेदार वजह दी थी मारे को। और मैंने थोड़ा चिल्ला दिया तो आप लोग मुंह फुलाकर चले आए घर छोड़ के। नहीं ओझा अंकल वो चुपचाप जैसे थे वैसे हो जाइए और चलिए घर चलो। लेकिन अबे चलते हो कि दू एक कसके। चलो चलो अपने घर पे चलो। और हाँ
बहुत जल्द आप लोग अपने रो हाउस में होंगे, ये बात रोनी भैया ने ठान ली है। हाँ? 31 दिसंबर की आने वाले नए साल की पार्टी में धूम मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार हो पाए तो, नहीं तो। एक मिनट। जी 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 जी। जेंटलमैन, आज की शाम 1960 रॉक एंड रोल की शाम है। और अब हम 2015 के इस साल का नाचते नाचते स्वागत करेंगे। लेकिन 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 मैं आप सबको डांस फ्लोर पर इनवाइट करने से पहले पिछले साल की न्यू ईयर डांस कंपटीशन के विनर मिस्टर एंड मिसेस रॉनी डिसूजा से ये गुजारिश करूंगा कि वो डांस फ्लोर पर आए और इस डांस फ्लोर को आग लगा दें। एक मिनट, डांस फ्लोर को आग लगा देंगे क्यों रॉनी? अरे फिर हम नाच कैसे पाएंगे ऐसे आग के बीच? वैसे भाभी आप फिक्र मत कीजिए, ये भाई साहब इधर उधर जूस और पानी लेके घूम रहे ना आग बुझाने के लिए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप इधर ही रहना, अगर ये लोग आग लगाएंगे तो आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। धा किट था। लो आगेली सबसे पहली। अरे घोटाला, स्टेज पे आग लगाना मतलब सचमुच में केरोसिन डाल के ये रोनी लीजा आग नहीं लगाएंगे। थैंक यू अंकल ओजा। अरे घोटाला, डांस फ्लोर पे आग लगाने का मतलब है कि जब हम डांस फ्लोर पे आएंगे तो हम वो गॉड मैन रोनी, सबके सामने तुम ऐसा अटकता है। एक मिनट, वो बोरीवली का नया शॉपिंग सेंटर का नाम क्या है? द मॉल। जब हम लोग डांस फ्लोर पे आएंगे तो धमाल मचा देंगे। सीरियसली रॉनी, सब लोग हंस रहे हैं मैन, धमाल का धमाल, तुम समझा ना मैन? और हंसने दो, हंसो हंसो, सब लोग हंसो, लेकिन जब हम लोग डांस करेंगे ना तो सबका वो बात टाइम बैक टू बैक अटका मैंने वो बा बोल ले भाई। अरे बकेट को हिंदी में क्या बोलता है? बाल्टी। हाँ, जब हम लोग डांस करेंगे ना तो सबका बाल्टी बंद कर देगा। बोलती का बाल्टी, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करेंगा। आइए। अरे अरे सॉरी, अभी चलो।
हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इतने शानदार डांस के बाद हम ये डांस फ्लोर आप सबके लिए ओपन करेंगे। तो आइए और इस सब का मजा लीजिए। शर्मा जी एक मिनट। जी एक मिनट वो मैं रोनी भाई और लीजा भाभी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। के सरप्राइज है जो तू खाली रोनी और लीजा को देगा, मारे को नहीं। अरे मैं भी तो यहाँ हूँ। ओ जा कहीं को। चुप कीजिए ना आप, पहले उसे बोलने तो दीजिए। बोलो शरद। ओ जा अंकल, लॉजिकली वो सरप्राइज क्या है, मैं देकर ही दिखाऊं। लो सरप्राइज दे देगा फिर मारे को कैसे मिलेगा। आना प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.